डिजिटल बैंकिंग और कार्ड के जरिए रकूम की अदायगी का रिवाज अमूमन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद रोजमर्रा की जिंदगी में नकद रकम अब भी बहुत जरूरी है, चाहे वो राशन खरीदने के लिए हो या फिर दुकान से कोई चीज खरीदने के लिए। ATM यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन की 54वीं सालगिरह 27 जून को मनाई गई है। दुनिया का पहला ATM बार्कलेंस बैंक की एक ब्रांच के बाहर नस्ब किया गया था। आज आप बेखौफ होकर ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त नोट उगलती इस मशीन को देखकर दुनिया हैरान थी। दुनिया के इस पहले ATM से सबसे पहले बरतानवी अदाकार रेग वर्ने ने पैसे निकाले थे। तब से आज तक पूरी दुनिया में ATM का नेटवर्क फैल चुका है। जॉन शेफर्ड जिनकी सोच का नतीजा ये निकला कि एक दिन मशीन से नोट निकलने लगे। जॉन शेफर्ड 23 जून 1925 को मेघालय के दारुल हुकूमत शिलोंग में पैदा हुए। उस वक्त उनके वालिद चिटगांव पोर्ट कमिश्नरेट में चीफ इंजीनियर के ओहदे पर थे। जॉन शेफर्ड का 15 मई 2010 को 84 साल की उम्र में बरतानिया में इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि एक बार जॉन शेफर्ड को पैसे की जरूरत थी। जब वो बैंक पहुंचे तो एक मिनट की ताखीर की वजह से बैंक बंद हो चुका था, लिहाजा रकम नहीं निकाल सके। फिर उन्होंने सोचा कि जब एक मशीन से चॉकलेट निकल सकती है तो फिर मशीन से 24 घंटे में पैसा क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि इससे लोगों के लिए बड़ी सहूलत होगी। इसी सोच का नतीजा थी ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर ATM नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के नौथुला में है। ये पाकिस्तान चीन की सरहद पर तकरीबन 16,000 फुट की बुलंदी पर है। ATM को मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। बरतानिया और न्यूजीलैंड में इसे कैश प्वाइंट या कैश मशीन कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इसे मनी मशीन कहा जाता है।